क्या होता है ना कि इंसान मतलब आदमी जब भी कहीं जगह भी जब कि थका हुआ आया, हारा हुआ आया, उसके बाद भी मैं घर आके देखो नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। इनको मैंने बोला था दोनों बहनों को कि तुम लोग तैयार हो जाना, और इनको जो काम बताए गए थे वो काम सारे पेंडिंग थे। गमले इन्होंने सही से रखे नहीं, छाया उनमें की नहीं। अभी अपना सामान रेडी है, दो बैग और एक छोटा सा पिट्ठू वाला बैग ऐसे लाल की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। तो हम लोग का जो कमिटमेंट था 4 बजे निकलना था, हम करेक्ट 4 बजे निकले हैं लखनऊ से आगरा के लिए। मतलब तो हमारा आज का जो डेस्टिनेशन है वो है आगरा। तो कृष्ण भगवान हम लोगों ने बोला तो कृष्ण भगवान की साइड ही जा रहे हैं, मतलब मथुरा की ओर को, लेकिन आज हम लोग जाएंगे आगरा। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल फैजाबाद रोड लखनऊ में। तो थोड़ा जैसे ही हम निकले हैं घर से तो वैसे ही ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि अभी स्कूलों की हो रही है छुट्टियाँ और अभी तक ये दो बहनों ने करीब 15 मिनट गाड़ी लेट कर रखी है। वैसे हम लोग 4:45 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत देर बाद दिख जाए। फिर थोड़ा एक पूजा देना था, लिफ्ट नहीं जल्दी थी, तो मेरे को बड़े बड़े बैग लेके 4th फ्लोर से नीचे उतरना पड़ा। तो गाड़ी में सामान पूरा पैक कर दिया है, बैठी है निहारिका, पीछे बैठी है नीतू। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, पहले हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ से कालिदास मार्ग, उसके बाद ऐसे अवध, फिर वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे आगरा एक्सप्रेस वे। कितना टॉल लगेगा, कितनी आगरा एक्सप्रेस वे की डिस्टेंस है, क्या क्या वहाँ पे गाइडलाइन है, वो सब मैं बताऊँगा। तो ब्लॉग पूरा देखते रहना। फिलहाल देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है लखनऊ में, प्रचंड गर्मी है। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि जून का महीना चल रहा होगा, लेकिन अभी देखिए सितम्बर आ गया है, आज लास्ट सितम्बर है, 29 सितम्बर। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो फिलहाल लखनऊ का ट्रैफिक क्रॉस करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगरा एक्सप्रेस वे पे। लखनऊ क्रॉस करने में हमको लगे पूरे 55 मिनट, मतलब वहाँ से पूरा सदर हो गया, अवध चौराहा हो गया, क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचे देखो आगरा एक्सप्रेस वे के कट पे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, दिल्ली की जो दूरी है 541 किलोमीटर है, अलीगढ़ भी ऐसी इसी रस्ते पर पड़ता है 324 किलोमीटर। थोड़ा उस साइड से सनराइज मतलब सनसेट हो रहा है उस साइड से, तो सामने कैमरे के बिल्कुल होगा सन, तो उसकी वजह से थोड़ा सा व्यू आपको सही दिखाई देगा अभी जाते वक्त, और जब हम वापस आ रहे होंगे तो मे बी व्यू अच्छा दिखाई दे। लेकिन अभी फ़िलहाल आज थोड़ा ऐसा ही हल्का हल्का अंधेरा रहने वाला है, थोड़ा मेरे को अपने फ़ोन से शूट करना पड़ेगा तो अच्छा व्यू दिखाई देगा थोड़ा सा। तो हम लोग पहुँच गए हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे। तो सामने सूरज भगवान अभी अस्त हो रहे हैं, तो अभी व्यू थोड़ा वैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा पहले अभी मैंने बताया था। तो लेकिन अभी निहारिका भाई काफ़ी खुश हो गई है, इतनी खुश हो रही कि अंदर सोचती है कि अरे वाह, या तो ऐसा ऐसी रोड हर जगह को बोलती है ऐसी रोड हर जगह। अभी मेरा टॉल नहीं आया, अभी टॉल में जाके पता चलेगा हमारा कितना मतलब उसमें टॉल टैक्स हमको देना है कार के लिए, क्योंकि जब मैं पहले गया था तो हो सकते मोटरसाइकिल में 300 रुपये देना पड़ा था, और मेरे को कार थी नहीं तो मालूम नहीं है कि कितना देना पड़ता है कार में। तो आज बात हो जाएगी कि कार में कितना देना पड़ता है। थोड़ा इसमें एक दिक्कत ये होती है कि इसमें टायर फटने का डर होता है, तो उसमें गाड़ी थोड़ा हल्की स्पीड से चलानी पड़ती है,
और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो है 100 किलोमीटर पर आवर। उससे अगर आप ऊपर गए तो आपका कट जाएगा चालान। 100 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी स्पीड है। अभी देखते हैं टोल टैक्स आएगा और देखते हैं कि हमारा कितना टोल हमको देना पड़ रहा है कार का। तो टोल पे हम लोग पहुंच गए, अब देखते हैं कि कितना हमको देना है। वैसे यहाँ लिखा होगा, मैंने अपना फास्टैग इसलिए रिचार्ज कर लिया था पहले ही, क्योंकि मैंने तो 200 रुपये की लिमिट ला के रखा हूँ, लेकिन मेरे को आज वो 1000 रुपये से रिचार्ज करना पड़ा, क्योंकि फिर अगर दुगना देना पड़ेगा तो समझ लो सीधे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये है टोल टैक्स। ट्रक बस और हल्के वाहन, तो हल्के वाहन वाला है इसमें और ट्रक और बस वाला है अलग वाला। तो उधर पे था पेट्रोल पंप, तो गाड़ी में पेट्रोल मेरा हाफ हो गया था। तो निहारिका को खाना है समोसा, तो बीच में पड़ा था ये रेस्टरूम। पे मतलब क्या है कि 300 किलोमीटर में दो पड़ते हैं, 105 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम लोग थोड़ा गाड़ी में भी मतलब क्या है कि टायर थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा अपनी बॉडी को भी, क्योंकि कमर थोड़ी टेढ़ी हो गई है। लगातार मैंने गाड़ी जो चलाई 150 किलोमीटर के करीब। तो यहाँ आ गए हम लोग रेस्ट रूम में, बड़ा सन्नाटा है लेकिन गाड़ियाँ बाहर बहुत खड़ी हुई हैं। तो इधर जाते हैं, और मतलब आप यहाँ रह भी सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो, फूड कोर्ट भी है, तो ऐसा ये बना रहता है। इसके नीचे मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप वहाँ से कुछ भी खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। तो हम लोग जाने फूड कोर्ट पे ऊपर। तो भाई हम लोग का स्नैक्स आ गया है, कैसा लग रहा है? तो मैंने फैमिली पैक लिया था, उसमें तो बटर मिल्क मिल गया, दो मसाला डोसा मिल गया, दो इडली, दो बड़ा। तो मेरा फेवरेट बड़ा है और इडली है, ये दोनों खाएंगे मसाला डोसा। व्यू भी देखो, अब तो पूरा सनसेट हो गया है, हल्का फुल्का उजाला बचा हुआ है। करीब हम लोग एक्सप्रेस वे पहुँचे थे 5:53 पे, नहीं 4:53 पे पहुँचे थे, तो वहाँ से हमको 1 घंटा हो गया चलते हुए। तो ये पूरा जो एक्सप्रेसवे की जो पूरी डिस्टेंस थी वो करीब आपके थी 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर में से हम लोगों ने करीब आपके 50-60 किलोमीटर कर लिए होंगे, क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ 80 या 90 की स्पीड चला रहा हूँ, बस हो गया इसी के बीच चल रही है। जैसे ये अभी इसमें लेन है ना, देख लो जिस लेन में मेरी गाड़ी चल रही है, ये कार लेन है, ये भाई साहब वो ट्रक वाली लेन में चले गए। देखो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने का मतलब थोड़ा एक वो होता है, नियम होता है, जिस साइड मेरे मतलब राइट हैंड साइड से ही आपको मतलब ओवरटेक करना है, ओवरटेक लेन इस साइड। अभी बीच में एक्सप्रेसवे के बीच में ये एक अलग टाइप का एक ये है कि ये चारों ओर से बंद नहीं है, देखो इसमें दोनों ओर से खेत वगैरह है। तो ये या तो यहाँ पर काम रुका होगा या यहाँ पर रोड ऐसी क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो थोड़ा यहाँ पर का हिसाब किताब मतलब ऐसा है इस रोड का, मतलब कि यहाँ पर या कुछ ऊपर ब्रिज बनने का था या नहीं बना, ऐसा कुछ है, क्योंकि इसमें देखो लोग भी आ रहे हैं, मतलब उसमें लोग दिखाई नहीं देते हैं, उस साइड गांव भी हैं, इसमें दीवार नहीं है दोनों ओर से। तो ये वाला थोड़ा मेरे को स्पॉट लगा थोड़ा अलग टाइप का,
बस ये मैं ये बता रहा था कि 100 किलोमीटर की स्पीड है हाईएस्ट, और आपको जो मेरे राइट हैंड में है उस साइड से ओवरटेक करना है। इस साइड वाला है मेरे लेफ्ट हैंड में जो लेन है वो वाली ट्रक और बस की लेन है, और जिसको मतलब ये 100 की स्पीड लगातार चलना है तो भैया वो ये वो वाला पकड़ ले, किसी को अगर कोई बीजा 80 वाला मिला तो उसे ओवरटेक करके वाली लाइन से निकल जाए, बस सिंपल सा तरीका है चलने का। लेकिन लोग थोड़ा अभी भी यहाँ पर नियम को फॉलो नहीं कर रहे। तो आप देखें मेरे शीशे में दाग, ये शीशे में जो दाग है वो रात में जो कीड़े आते ना, इतने कीड़े आ रहे हैं पूरी मतलब इसको शीशे को पूरा वो कर रहे हैं, वो मतलब इतना गंदा वाला शीशा मिला तो आगे दिखते ही बंद रहता। अगर मैं वाइपर चला रहा हूँ तो उससे क्या इसके पड़ जा रहे हैं, तो ये वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कितने बड़े बड़े कीड़े आए और डायरेक्ट आके टकरा गए। तो मैं फिलहाल गाड़ी चला रहा हूँ 80 की स्पीड पे, इससे ज़्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ, मतलब 80-85, और ये लेन हमने पकड़ी हुई है। तो जहाँ पर हमने किया था नाश्ता वहाँ से हम लोग 71 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और हमने ये दूरी मतलब अभी 8 मिनट बचे हैं 1 घंटा होने में, यानी कि 80 के एवरेज चल रहा है, तो 1 घंटे मतलब हम 80 किलोमीटर दूरी पूरी कर देंगे करीब। तो यही रास्ता आपका इटावा को भी जाता है, सैफई को भी जाता है, वैसे 20 रुपये कट है इटावा और सैफई के। अगर आपको इटावा और सैफई जाना है तो आप आगरा एक्सप्रेस से कट मार के भी जा सकते हैं, कानपुर भी, हरदोई भी, मतलब ऐसा लिखा था मैंने वो कितना किलोमीटर होगा ये नहीं मालूम, लेकिन हरदोई कानपुर सबके कट इस एक्सप्रेस वे हैं, ये तो मैंने देखा है। तो निहारिका बैठी है सुस्त होके, नीतू को भी नींद आ गई है पीछे। तो गाड़ी चलाते चलाते बच गए हैं करीब आपके 9:20 हो गए, और अभी भी आगरा मतलब करीब 50 किलोमीटर बचा हुआ है। हमने पहले वाले स्टॉप पे रेस्ट लिया था करीब आधा घंटा, दूसरा वाला स्टॉप उसके करेक्ट मतलब पहला वाला स्टॉप है 100 किलोमीटर टोल के बाद आता था, दूसरा वाला उससे करीब 105 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन 110 किलोमीटर मैंने वहाँ पर 0 किलोमीटर का तेल भराया था, तो वहाँ से वो 110 किलोमीटर था। दूसरा स्टॉप में मैं सिर्फ होल्डिंग लेके आया और कुछ देर गाड़ी ऐसे कटी रही थी, तो वहाँ से अभी आगरा 150 किलोमीटर और बचा हुआ था, तो अभी करीब 9:30 हो गया है, और होटल वाला बार बार फोन कर रहा कि आप चेक इन करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे, क्या एक्चुअली क्या है, booking.com से मैंने होटल बुक किया, तो उनके मन में ये है कि कहीं बंदा कहीं दूसरा होटल में चला गया या इंडिया किया ये कुछ। मैंने कहा कि उनका मतलब सुबह से मॉर्निंग से इतनी बार फोन आ चुका है, मैंने कहा कि मैंने कहीं महंगा होटल तो बुक कर लिया, बाद में मैंने रेट देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं अपना होटल का रेट तो ठीक है, तो जहाँ तक सुबह से इंक्वायरी करने लगे कि आप कब आओगे कब आओगे कब आओगे, उस हिसाब से मतलब हमने तो अपने जेब के हिसाब से किया है, एक रात हमको तो यार नहीं है आगरा में, तो उस हिसाब से होटल बुक किया हुआ है। लेकिन अभी भी मतलब हमको टाइम लगेगा, उसके बाद उन्होंने गूगल मैप भेजा हुआ है, गूगल मैप फोन करेंगे उसके बाद लोकेशन में पहुँचेंगे, आगरा फोर्ट के भी आस पास है वो होटल, तो वहाँ पहुँचेंगे। अभी देखा सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो क्या है कि गाड़ी चलाने में मज़ा एक्चुअली क्या होता है कि आदमी जब एक्सरसाइज में घुसता है ना तो उसको मतलब एक्साइटेड होता है कि आज तो मैं एक्सरसाइज में घुसाऊँ, लेकिन जब 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है ना उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ एक्सीलेटर देना होता है तो पाँव में दर्द हो गई कुछ हो गया, कभी नींद के झटके ऐसे आ जा रहे हैं, तो मतलब इससे अच्छा तो पहाड़ों का सफर अच्छा है, अपना गोल 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 घुमाते रहो, नींद रात भर नहीं आती है पहाड़ों में गाड़ी चलाने। अब एक्सरसाइज तो है कि टाइम कम लगेगा लेकिन दिक्कत तो है काफ़ी, तो देखते हैं जैसे आगरा पहुँचेंगे तब आपको दोबारा शूट करके दिखाऊंगा और होटल वगैरह दिखाऊंगा। अभी टॉल का पैसा कितना कटा है ये भी नहीं मालूम, अभी सेकंड टॉल अभी आने में टाइम लगेगा, जब सेकंड टॉल आएगा तो वहाँ जैसे मैं एग्जिट करूंगा तो तब वहाँ पर जो पैसा कटेगा तो वहाँ पर पता लगेगा कि हमको टॉल का पैसा कितना लगा। तो वीडियो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक आगरा पहुँचने। तो भाई कैसा लगा सफर? तो यहाँ गाड़ी कर दी है पार्किंग में खड़ी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे एक बड़ी सी पार्किंग है सभी होटलों की, और आसपास बहुत सारे हैं होटल, ये देख रहे हैं आप बहुत सारे होटल हैं, और हम लोग सामने रुके हुए हैं होटल स्टार ऑफ ताज, इसमें हम लोग रुके हुए हैं। तो ये हमने लिया रूम जिसमें एसी वगैरह लगा था, और हमको 1000 रुपये का booking.com से पड़ा रूम। निहारिका की एक खासियत है, निहारिका क्या करती है कि
मतलब जब भी ये कहीं बाहर जाती है तो ये अपनी दो चादरें लेके चलती है, बोलती है कि होटल की चादरें बेकार होती हैं और मैं अपने घर की चादर लेके आऊँगी, वहाँ वही वाली उड़ती है उधर वाली बिछाती भी है। तो फिलहाल इतनी एक चादर अपनी ओढ़ ली है, अभी कुछ देर बाद दूसरी चादर निकाले कि वो बिछाएगी सोने के लिए। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? लखनऊ से लेके आगरा तक का थोड़ा क्या था कि अंधेरा हो गया, फिर से व्यू आ नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम घूमने वाले हैं आगरा, तो स्टे ट्यून्ड ऑन आदि ब्लॉग्स। पूरी आप पूरी मैं वेब सीरीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वेब सीरीज़ देखते थे, वेब सीरीज पूरी ये ट्रैवल की सीरीज़ देखना जिसमें हम लोग वेस्टर्न यूपी के आगरा और मथुरा को कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी ऐसा ही सोचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड टू आदि ब्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।